सर मैं उस लड़की को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। सर मैं उसे दिले दिल प्यार भी करने लग गया हूँ, मगर उसे प्रपोज करने में मुझे डर लगता है, मुझे उससे बात करने में डर लगता है। सर मैं उसके आसपास जाता हूँ तब मेरे को पता नहीं क्यों इतना ज्यादा शर्म आने लग जाती है कि मैं उससे प्रॉपरली आई कॉन्टैक्ट तक नहीं कर पाता। तो सर मैं इसे इम्प्रेस कैसे करूँ? तो भाई, अगर आप भी लड़की से बात करते समय घबराते हैं, डरते हैं या फिर आपको शर्म आती है, तो ये वीडियो फ्रेंड आपको जरूर एंड तक वॉच करनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद फ्रेंड आप कहीं ना कहीं अपने अंदर का जो वो डर है उससे कंट्रोल कर लोगे, कहीं ना कहीं आप उस लड़की के सामने जो शर्मा रहे हो अपने दिल की बात कहने में, ये भी आप कंट्रोल कर लोगे। लड़की से आप कभी भी नहीं डरोगे भाई बात करते समय। जी हाँ, ये सारी बातें आपका भाई एक्सप्लेन करके समझाएगा आज की इस वीडियो में। बस छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि मुझे नहीं पता आप इस वीडियो पर लाइक करोगे कि नहीं करोगे, मगर भाई इस वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करिएगा। रिक्वेस्ट कर रहा हूं एंड तक वॉच करना भाई, जो आपके अंदर का डर है ये डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा आपके अंदर। देखो फ्रेंड, मैं पहला पॉइंट आपको समझा देता हूं कि ये डर आता कहां से है, डर लगता क्यों है और क्या वजह है ये डरने का। जब फ्रेंड हमें किसी चीज की प्रॉपर्ली ज्ञान नहीं हो, प्रॉपर्ली पता नहीं हो, तो हमें फ्रेंड उस सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा डर लगता है। मान लीजिए आपको वो फोन चलाने नहीं आता जिस फोन को आप बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो, और सडनली आपके फ्रेंड के पास अगर वो फोन है और आपको दे कि ले तो चला के दिखा इस फोन को, तो आप थोड़े ना थोड़े घबरा जाओगे, थोड़ा ना थोड़ा डर जाओगे कि यार इतना महंगा फोन है, अगर मैंने गलती से इसमें कुछ छेड़छाड़ कर दिया, कौन सी सेटिंग इसकी बंद हो जाएगी, कौन सा क्या बंद हो जाएगा, उसके बाद तो ये सीधा मेरे को बोलेगा कि भाई मेरा फोन अब खर्चा दे तो इसका। ये सिचुएशन होता है फ्रेंड। तो भाई आपको ये चीज समझना चाहिए कि किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने से पहले, किसी भी लड़की को बात करने से पहले उसका प्रॉपर्ली ज्ञान ले लो भाई, प्रॉपर्ली उसे समझ लो कि उसे क्या पसंद है क्या ना पसंद है, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं है, ये कहाँ रहती है कहाँ नहीं रहती है, इसका स्वभाव कैसा है कैसा नहीं। भाई इससे हमें 2 से 3 दिन लगेंगे आपको पता करने में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। भाई इतना सा काम कर लो, जो आपके अंदर का डर है ना फ्रेंड, वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि नहीं यार, लड़की का नेचर ऐसा है, अगर मैं इससे प्यार से बात करूं तो ये बात करेगी। तो फ्रेंड एक ये भी रीजन है जो आपका डर खत्म कर सकता है। दूसरा, आप किसी अननोन लड़की को टोक नहीं सकते, अननोन लड़की से बात नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय पे आपको फ्रेंड समझ में नहीं आता उससे क्या बात करनी चाहिए, कैसे उससे टोकूं, क्योंकि डर लगना, शर्म आना, अननोन लड़की है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसके लिए फ्रेंड आपको सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर आप लड़कियों से बात करते समय भागते हैं, डरते हैं, तो भाई इसमें आपकी ही गलती है। क्यों? क्योंकि आप कभी लड़कियों के बीच में रहना शुरू किया ही नहीं था, आपने कभी लड़कियों से जल्दी बात करना शुरू ही नहीं किया था। इस सिचुएशन में फ्रेंड आपको ये करना चाहिए कि अगर आपने आप क्लास में है तो क्लास के अगल बगल किसी ना किसी लड़की से फ्रेंडशिप आप कर सकते हैं, जो एवरेज हो, जो आपकी लेवल की हो, या तो फिर आपका मोहल्ला, या तो फिर आपका ऑफिस, आप जहां भी रहते हो। नॉर्मली फ्रेंड आपको सिर्फ फ्रेंडशिप करनी है, नॉर्मली आपको एक से दो लड़की को टोकना एक दिन में, किसी को एड्रेस के बहाने, किसी को किसी चीज के बहाने। मुझे पता आप बोलोगे सर फालतू में ऐसा काम मैं क्यों करूं, मगर भाई अगर आपके अंदर का डर खत्म करना है तो आपको लड़की से बात करना पड़ेगा। इससे आपको फिर पता चल जाएगा कि लड़कियां बुरी नहीं होती, अगर आप उनसे स्माइल दिखाकर बात करते हो तो लड़की भी आपसे बात करना पसंद करती है, चाहे आप अननोन क्यों ना हो। नॉर्मली अगर आप एड्रेस के बारे में बात करोगे तो भी लड़की आपकी इंसल्ट नहीं करने वाली, ठीक है। अब जब यहां तक बात आ गई इंसल्ट तक ना, तो इंसल्ट से मुझे एक पॉइंट और याद आ गया। आप लड़की से बात करते समय इसलिए भी घबराते हो, इसलिए भी डरते हो कि आपको ऐसा लगता है कि यार लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, यार मैं तो उसके लेवल का भी नहीं हूं, ये तो मुझसे बहुत ही ज्यादा ये है, बहुत ज्यादा वो है। तो भाई इसमें तो एक ही उपाय है कि अपने ड्रेसिंग सेंस को सुधारो, अपना लुक को थोड़ा सा डेवलप करो, आपका जो हेयर कटिंग है उसे बेटर करो, जो आपका बियर्ड है उसे सैड करो, है ना, जो आप पहनते हो उसको थोड़ा सा चेंज करो। अब भाई ये सब की टिप्स के बारे में तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, मेरा सेकंड चैनल है, चाहो तो आप देख सकते हो कैसे स्मार्ट हैंडसम बना जाता है, ठीक है भाई। चौथा, बहुत ही ज्यादा उसके बारे में सोचना, ये सबसे बड़ा डर है फ्रेंड आपके अंदर का। आप उसके बारे में बहुत ही ज्यादा सोच लेते हो, बहुत ही दूर तक के ख्याल अपने माइंड में बनाने लग जाते हो कि सर अगर मैं इस लड़की से बात करूं तो कहीं मेरी बेइज्जती तो नहीं कर देगी, कहीं आप मोहल्ले में तो नहीं बोल देगी, कहीं ये गली में तो नहीं बोल देगी, कहीं यार ये तो नहीं कर देगी, वो तो नहीं कर देगी, यार इस लड़की से मैं बात करूंगा तो पहला वर्ड क्या कहूंगा, यार इस लड़की को मैं प्रपोज करूंगा तो ये एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। भाई ज्यादा एक्सपेक्ट करना ये आपकी सबसे बुरी आदत होती है। अगर मैं इस वीडियो पर एक्सेप्ट करूं कि यार इस पे 3 मिलियन लाइक जाएंगे और 10 मिलियन व्यूज जाएंगे, तो भाई मैं बाद में निराश हो जाऊंगा जब मेरे को दिखाएंगे इतने कम व्यूज। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि मेरे कितने व्यूज जाएंगे कितने नहीं जाएंगे, बस कैसा भी हो चले जाना चाहिए, कैसा भी हो आप लोगों तक मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, बस मैं इतना एक्सेप्ट रखता हूं, मतलब एक्सपेक्ट करता हूं। तो फ्रेंड आपको भी नॉर्मली एक्सपेक्ट करना है कि नॉर्मली मैं इससे फ्रेंडशिप करने जा रहा हूं, नॉर्मली इससे मुझे बात करनी है, कौन सा मुझे इससे प्यार व्यार करना है, अगर अच्छी लगेगी बात करने में पसंद आई तो देखते हैं आगे की स्टोरी क्या हो सकती है फ्रेंड। तो नॉर्मली रखो, ज्यादा एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट मत किया करो भाई। ये एक्सपेक्ट नहीं, आपके मन को और ही ज्यादा डराने में लग जाता है, और ज्यादा आप शर्मा जाते हो उससे कि मैंने तो क्या क्या सोचा था और क्या क्या बोलूंगा, इसने तो कुछ और ही बोल दिया, अब मैं क्या बोलूं, अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तैयारी करके जाना, ये सब चीजें फ्रेंड नहीं शोभा देती भाई आपको, ठीक है, एक्सपेक्टिंग ज्यादा मत रखो। तो ये थे वो कुछ बेसिक, कुछ नॉर्मल से टिप्स जो कि हर कोई यूज करता है, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है भाई। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो पे एक्सप्लेन करके बनना चाहिए टॉपिक्स, एक्सप्लेन करके आपको मैं बात समझाऊं और अंदर से आपका डर को खत्म कर दूं, और भी कोई पर्सनल डर हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि इस वीडियो का पार्ट टू बना दिए सर, ठीक है भाई। और अगर आपको कोई बात रह गई हो तो इंस्टाग्राम पर भी आप कह सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर है मैं kailashrai2.0, ठीक है भाई, तो फॉलो कर लीजिएगा भाई, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको यहाँ तक वीडियो देखने में अच्छी लगी है तो यार बिना लाइक किए जाना मत यार, देखो लाइक किए बिना जाना मत, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना, और इस वीडियो को अपने दोस्त यार के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।